यूरोपीय देश मोल्दोवा में जारी यूरोपीय देशों की एक बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नेटो पर ही भड़क गए। उनकी मांग थी कि नेटो इस बात पर अपना रवैया साफ करे कि वो यूक्रेन को इस संगठन का सदस्य बनाएगा या फिर नहीं, ताकि यूक्रेन जंग में रूस से लड़ने के लिए अपनी आगे की तैयारी उसी हिसाब से कर सके। यूरोपीय देश मोल्दोवा में मौजूद यूरोप के 40 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने जेलेंस्की ने नेटो से यूक्रेन की सदस्यता पर जल्द फैसला लेने की अपील की। इनविटेशन टू मेंबरशिप फॉर यूक्रेन इज नीडेड एंड द सिक्योरिटी गारंटीज ऑन द वे टू नेटो मेंबरशिप आर नीडेड। इसके अलावा उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ने भी उन्हें अब तक संगठन में शामिल करने पर कोई फैसला नहीं लिया, जबकि यूक्रेन ने जंग की शुरुआत में ही ईयू में शामिल होने की अर्जी दे दी थी। इस बीच रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास के शहरों से अपने बच्चों को निकालना शुरू कर दिया, ये जानकारी बेलग्रद के गवर्नर ने दी। बेलग्रद यूक्रेन की सीमा के पास बसा रूस का इलाका है, जहां कुछ हफ्ते पहले भयंकर जंग छिड़ी थी, और अब रूस को एक बार फिर वहां यूक्रेन के हवाई हमलों का डर सता रहा है, क्योंकि दो दिन पहले मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ था जिसने रूस में खलबली मचा दी। यही नहीं, यूक्रेन ने रूस के बेलग्रद में भी भारी गोलाबारी की। यही वजह रही कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास वाले शहरों से बच्चों को निकालना शुरू कर दिया, और अब तक बेलग्रद से 300 बच्चों को वोरोनेश शहर पहुंचाया जा चुका है, जो रूस के दक्षिणी हिस्से में। बेलग्रद से आने वाले दिनों में करीब 1000 और बच्चों को निकाला जाएगा। बेलग्रद के गवर्नर ने बताया कि यूक्रेन बॉर्डर के पास वाले शहरों में हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद चेचन ग्रुप को भी बॉर्डर के इलाकों से बच्चों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके मीडिया ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन की सेना ने नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत रूस ने यूक्रेन की सेना पर कहर ढाने के लिए पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया, ताकि जंग के मैदान में जेलेंस्की की फौज को चारों खाने चित किया जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले कई महीनों से रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर कब्जे के लिए जंग लड़ रही है, लेकिन यूक्रेन के जोरदार पलटवार की वजह से रूसी सेना की हालत वहां खस्ता है। ऐसे में अब रूस के मीडिया ने यह दावा किया है कि पुतिन की सेना ने डॉनबास पर कब्जे के लिए नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज रूस से जो मिल रही है वो आपको बता दें, रूस के कर्स इलाके में यूक्रेन ने जोरदार ड्रोन अटैक किया है। रूस का दावा यह है कि उसने यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। रूस के मुताबिक उसने इस दौरान यूक्रेन की तरफ से भेजे गए कई ड्रोन तबाह भी कर दिए। बताया ये भी जा रहा है कि ये हमला रात के वक्त हुआ। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने उसके इलाके में तबाही मचाने के लिए एक साथ कई ड्रोन भेजे थे, जिन्हें उसने आसमान में ही बर्बाद कर दिया। बीच रूस ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन में नरसंहार करवाने का आरोप लगाया। पश्चिमी देशों पर यह बड़ा आरोप रूस के विदेश मंत्री ने लगाया, जिन्होंने क्राइमिया और रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों पर हो रहे हमलों का जिक्र किया और पश्चिमी देशों पर बरस पड़े। एक दिन पहले ही यूक्रेन के लुहांस्क में बड़ा हमला हुआ था। यही नहीं, रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या, खेरसोन और डोनेस्क पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने इन्हीं हमलों का जिक्र करते हुए पश्चिमी देशों पर निशाना साधा और बयान दिया कि पश्चिमी देश जेलेंस्की के प्लान में उसका साथ दे रहे हैं और जेलेंस्की की मदद कर यूक्रेन में नरसंहार करवा रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की की सेना अपने दम पर रूस की सेना से नहीं लड़ सकती, लेकिन पश्चिमी देशों से मिली मदद से जेलेंस्की की सेना जंग में डटी हुई है। अमेरिकी